हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपको नए ब्लॉग में। और गाइस, आज तो बहुत लेट हो गया मुझे उठने में। एक्चुअली 4 बजे तक तो मैं पढ़ते रह गया, तो और फिर अभी उठा हूँ। अभी तो 9 बज गया, तो 9:10 हो रहा है, 9:10। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। ये मैंने कर्टेन ड्रॉ किया, देख सकते हो आप, राइट। पूरा धूप हो चुका है, तो आज फिर थोड़ा लेट से शुरुआत होगा। सबसे पहले यार फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि ब्रश करके मुझे दाढ़ी वगैरह सोच रहा बना लूँ, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड लगता है एक्चुअली। तो अभी शेविंग करूँगा, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता वगैरह बनाना है मे भी, देखता हूँ या पढ़ लूँ पहले, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। पर हाँ, अभी जाऊँगा फिर फ्रेश होके ब्रश वगैरह करना है, और उसके बाद शेविंग करूँगा, उसके बाद मैं बात लूँगा, उसके बाद पढ़ाई या कुछ खाना, देखता हूँ जो जैसा हो सकता है। क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग पढ़ाई पर जा रहा है फिर से। और लास्ट कल मैंने टेस्ट दिया कंपनी का, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो मैं यूजुअली रात में ही टेस्ट देता हूँ, क्योंकि शांति रहता है, डिस्टर्ब कोई करने वाला नहीं, तो कोई आएगा नहीं, तो कुछ जाने का, कहीं कोई गेट पे आ गया तो कोई दिक्कत है, ये सब चीज़ें रहती है। तो सबसे पहले बाथरूम जाते हैं, उससे पहले हम ये धोवर को पहले बेड को ठीक कर लेते हैं, राइट। धोवर को मोड़ लेते हैं, क्योंकि यार सबसे उठने से पहले मैं यही करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कभी कभी हो जाता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलूँ, लेकिन यूजुअली मैं पहले बेड को ठीक कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ता है फिर, ठीक है। ये हमने मोड़ दिया, और पिल्लों को थोड़ा कर देना है ऐसा। तो अब हम थोड़ा बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में ले नहीं जा सकते आप लोगों को, ठीक है ना। हम ब्रश करेंगे फिर। हम बाथरूम से आ गए, और अब मुझे ब्रश करना है। तो आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं? मैं तो अभी मैक्स फ्रेश कॉलगेट का यूज़ कर रहा हूँ। अभी कुछ अच्छा होगा तो आप बताइएगा। सैमसोनाइट सुना हूँ मैं, अच्छा है, बट अगर आप लोग के पास पता होगा तो मुझे आप बताओ, ठीक है। फाइनली हमारा ब्रश हो गया, तो अब मुझे मुझे करना है शेविंग। तो अब मैं शेविंग करूँगा, ताकि मैं मुझे थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस हो। वैसे विजुअली बहुत लेट हो चुका है, राइट। अदर डेट कम्प्लीट, सुबह उठता हूँ, और आज तो मेरा जिम वॉकिंग सब कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे जिम तो अभी मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, एक दिन गया था फिर मैं कर नहीं पाया, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था। बट कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वेट में बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। अभी फिलहाल तो मुझे शेविंग करना है, राइट। आप लोग खुद से शेविंग करते हैं या करवाते हो, मतलब बाहर जाके सैलून में? अरे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है यार, यहाँ पे 60 रुपया 70 रुपया सिर्फ शेविंग का लेता है। और बाल काटने का अगर मतलब छोटे जगह पे जाओगे तो 120 है, और अगर आप थोड़ा हाई फाई सैलून में चले गए तो यहाँ पे 300-400 ऐसे जाता है, 300 तक जाता है, मतलब ऐसे हाई फाई में चले गए तो। और मॉल वगैरह में चले गए तो भाई मुझे आइडिया भी नहीं है सब कुछ, तो जितना तो है कि 3-4 हज़ार सिर्फ जाता होगा ऐसा। और लेडीज जाती तो पता नहीं, कुछ पता ही नहीं कितना जाता होगा, ये मुझे आइडिया भी नहीं है सब कुछ तो। पर हाँ, जो लोकल एरिया में है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे बताया हूँ यूजुअली इतना जाता है, इसलिए मैं सेविंग खुद से करता हूँ, ये बात है। तो एक्चुअली अपने से करने में क्या है कि जल्दी कर सकते हो। मेरा वैसे अभी इस बार बहुत टाइम लग गया था, मेरा टेस्ट वगैरह था, मतलब कंपनी वगैरह टेस्ट था जिसके लिए मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और खुद ही पढ़ना था, तो मैं मुझे टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सेविंग कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ मारता हूँ, नहीं तो बात नहीं कर पाऊँगा आप लोग से। मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपका रिजर में अगर 1 वीक से ज़्यादा अगर अगर आप नहीं दाढ़ी करते हो, बनाते हो, तो आप ये रिमूव कर सकते हो, क्योंकि न्यू आप ब्लेड लगाइए, क्योंकि ना क्या इसमें जंग सा लग सकता है, राइट। तो वो आपको इन्फेक्टेड कर सकता है आपके शरीर में, तो इसलिए मैं निकाल के रख दिया। और देख सकते हो अभी मैं जिलेट का ब्लेड लगा रहा हूँ इसमें, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। और वैसे भी मेरा 1-1.5 सप्ताह से ज़्यादा हो गया था, यूजुअली मैं 2 दिन में सेविंग कर लेता हूँ, 2 से 3 दिन में, इस बार बहुत टाइम लग गया, 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए चलो इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग के साथ शेयर किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आप खुद के घर में भी अगर आप करते हो सेविंग, इसलिए क्योंकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वीक के बाद वो पानी में रहा तो थोड़ा जंग लग सकता है, राइट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो होप तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छा लगा होगा, राइट। तो सबसे पहले चलिए हम सेविंग करते हैं। अब फिलहाल मैंने शेविंग कर लिया है गाइस, और अब मुझे सिर्फ नहाना है, ठीक है। मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर शायद मैं पढ़ाई करूँ या देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, या नाश्ता बनाऊँ मेरी, देखता हूँ। हाय गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, और मैं पढ़ने का सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया कि यार नहीं, पढ़ रहे हो फिर बीच में भूख लगा तो फिर उठना पड़ेगा, तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। और इसलिए मैं सोचा कि चलो बाहर में कुछ जाके स्नैक्स कुछ नाश्ता कर लूँ, और उसके बाद अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहूँगा। तो मैं तो यही सब था, और
एक्चुअली अगर मैं ये सब भी बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा राइट, तो आप लोग भी पसंद नहीं करोगे राइट। तो गाइज डेट्स ऑल एज ऑफ नाउ, इतना ही अभी मैं रखता हूँ क्योंकि बाहर मैं उतना भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि वीडियो बनाने में राइट, तो इसलिए मैं और लंबा भी वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इन फ्यूचर मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, बट आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए और एक आप लोग का सपोर्ट रहेगा शायद मैं कुछ कर पाऊँ, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।